These features of accounting. Accounting is an art as well as science. Accounting क्या है, एक science भी है और एक art भी है. अब accounting को science क्यों कहा गया है? Because this is science certain principles पे, certain experiment पे based होती है. तो same जो हमारा accounting होता है वो भी कुछ accounting principles, accounting assumption पे based होता है और जो वो उसको लगातार follow करता रहता है. अकाउंटिंग एक आर्ट भी होती है. जैसे हम आर्ट में क्या करते हैं, थिंग्स को ब्यूटीफुली प्रेजेंट करते हैं, तो सिमिलरली हमें अकाउंटिंग में भी अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अच्छे से प्रेजेंट करना होता है ताकि जो भी बिजनेस का इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, पब्लिक जो भी उसको देखे वो अच्छे से समझ सके. नंबर टू इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली. अकाउंटिंग के अंदर हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल नेचर की होती हैं और जो बिजनेस से जुड़ी हुई है. फाइनेंशियल नेचर का मतलब होता है कि वो ट्रांजेक्शन जिसको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं. लाइक अगर हमारे बिजनेस में 2 एम्प्लॉयज हैं और उनके बीच कुछ झगड़ा हो जाता है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिकॉज दैट कांट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. ऑन द अदर हैंड अगर हमारे बिजनेस में कोई इंसिडेंट हो जाता है, सपोज आग लग जाती है और वहां पर बहुत सारे सामान का नुकसान हो जाता है, तो उस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज इट्स वैल्यू कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी. नंबर 3 इज क्लासिफाइंग. अकाउंटिंग में क्या होता है, जो भी हमारे बिजनेस की ट्रांजेक्शन होती हैं जिनका फाइनेंशियल नेचर है, जो मनी के टर्म्स में है, उनको हम कुछ हेड्स में क्लासिफाई करते हैं. लाइक जो हमने परचेज की ट्रांजेक्शन्स करी है, कहाँ कहाँ से माल खरीदा है उसे हम परचेज हेड में डालते हैं, किस किस को माल बेचा है उसे हम सेल हेड में डालते हैं, और जहाँ जहाँ हमने कैपिटल लगाई है उसको हम कैपिटल हेड में डालते हैं. तो इस तरीके से हम बहुत सारे हेड्स बना लेते हैं और अपने बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को वहाँ पर क्लासीफाई कर देते हैं. नंबर 4 इज समराइजिंग. इसमें क्या होता है, जैसे हमने क्लासीफाई के अंदर बहुत सारे हेड्स बनाए, परचेज हेड बनाया, सेल्स हेड बनाया, जिससे हमें पता लगा कि हमने कितना माल किससे खरीदा है. सपोज एक सप्लायर है, उससे मैंने 5 लाख का माल खरीदा और उसको मैंने 2 लाख रुपए कैश दे दिया, तो मेरे यहाँ पे 3 लाख बैलेंस है. तो समराइज के अंदर हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे कि कितना उस सप्लायर को देना है. सिमिलरली मेरे कस्टमर्स हैं, उनको माल बेचा, तो किसी कस्टमर को सपोज 10 लाख का माल बेचा, उसने मुझे 6 लाख पेमेंट कर दी, तो 4 लाख अब वो मुझे देगा, उसने मुझे देने हैं. तो समराइजिंग में हम रिकॉर्ड करेंगे कि हाउ मच द कस्टमर्स विल पे टू अस एंड हाउ मच विल वी विल पे टू द सप्लायर्स. तो जितने भी बैलेंसेस होंगे दैट वी विल रिकॉर्ड इन समराइजिंग, वो यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे. नंबर 5 इज इंटरप्रिटेशन. इसके अंदर हम फाइंड आउट करेंगे कि हमने एक बिजनेस के अंदर जो पूरा एक अकाउंटिंग पीरियड हमारा 31 मार्च को जो खत्म होता है, जब हमने वो पूरा अकाउंटिंग पीरियड हमारा ओवर हो गया है, तो उस दौरान हमने कितना प्रॉफिट कमाया या फिर कितना हमारा लॉस, हमने लॉस सफ़र किया. सो इंटरप्रेट करने में हम प्रॉफिट जो हमने कमाया या जो लॉस सफ़र किया है हम उसको फाइंड आउट करेंगे. नंबर 6 इज कम्युनिकेशन. इसके अंदर जो हमने प्रॉफिट फाइंड आउट किया है या फिर जो हमने लॉस निकाला है, जो हमें हुआ है, तो उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे बिजनेस के इंटरेस्टेड पार्टीज होंगी उनको हम देंगे. अब बिजनेस की इंटरेस्टेड पार्टीज कौन हो सकती हैं, जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया है, लाइक शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, या फिर जहां से हमने लोन लिया है, बैंक लोन लिया है तो बैंक हो गया, या फिर गवर्नमेंट हो गई, जहां पर हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस का को कंप्लायंस करना पड़ता है, उनको फुलफिल करना पड़ता है. तो ये सब हमारे बिजनेस की इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं जिनको हमें हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन देनी होती है. थैंक यू.